हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये पिंकी पीची मेकअप लुक। और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक है। ये उन लोगों के लिए जिनको मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और वो बहुत ही थोड़ा बहुत सा मेकअप करना चाहते हैं, बहुत गॉडी मेकअप नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल लुक है गाइज़ ये। तो चलिए देख लेते हैं कि ये लुक मैंने कैसे अचीव किया। ये आप किसी भी फंक्शन में कर सकते हो, लाइक वेडिंग फंक्शन या फिर फेस्टिवल फंक्शन में। तो सबसे पहले लहंगे की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जेडकी का लहंगा पहना हुआ है और ये लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज, क्योंकि इसका वर्क बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, इसका वर्क जो है वो थ्रेड में है और जो सेंटर पे दिया है वो मिरर वर्क दिया है और बहुत ही अच्छा सा सितारे का वर्क दिया हुआ है बीच में। तो ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी कटिंग बहुत अच्छी है, लाइक फिश कट टाइप का है ये। और इसका जो दुपट्टा वो नेट पे है, बॉर्डर इसका बहुत ही खूबसूरत सा है। इसका ब्लाउज़ मैंने स्टिच नहीं कराया, इसका ब्लाउज़ भी सितारे वर्क पे है, तो बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़ भी है इसका गाइस। सो आई होप कि आप लोग को ये लहंगा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लिंक पे ज़रूर क्लिक करके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अब मैंने अपना मेकअप कैसे किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर NYBA का यहाँ पे मैंने लिया है कंसीलर और इससे अपनी डार्क सर्किल वगैरह को हाइड कर लूँगी। इसके बाद इसे ब्लेंड कर लूँगी फिंगर की हेल्प से या फिर स्पॉन्ज की हेल्प से आप ब्लेंड कर लीजिएगा। देन इसको मैं सेट करूँगी। ये है PSC का कॉम्पैक्ट, मतलब पैक का कॉम्पैक्ट, इससे ही सेट करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। स्टूडियो फिनिक्स फिनिश कॉम्पैक्ट है और पिगमेंटेड बहुत ही ज़्यादा है गाइस और लॉन्ग लास्टिंग भी है, मतलब कि ड्राई ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है ये। उसके बाद मैंने यूज़ किया फेसेस कनाडा की आई शेडो पैलेट, उसमें से बबल शेड लेकर अपने पूरी लिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन ये डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने आउटर कॉर्नर पे वी की तरह बनाऊंगी। उसके बाद क्रीज लाइन के ऊपर से होते हुए इनर कॉर्नर तक ले जाऊंगी इस तरीके से। ये बहुत ही सॉफ्ट सा आई मेकअप है गाइस और बहुत ही मैट टाइप का है, जिनकी ऑयली स्किन है वो ऐसा लुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिंक कलर का शेड लेकर सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लैशेज अप्लाई कर लिए, शीन के लैशेज थी। उसके बाद सेम पैलेट की हेल्प से कोई भी हाइलाइटर शेड लेकर अपने बोन को हाईलाइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया NYBA का काजल लाइनर और इसे अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लेंगे ताकि गैपिंग ख़त्म हो जाए। फेस के लिए मैंने लिया है गुड वाइब की फेस। बेला वॉसले का ये हाई डिफाइनर प्राइमर, ये मैटिफाइंग है, लाइट वेट है, स्मूदनिंग विद रिंकल मिनिमाइजर के साथ आता है और ये मैंने अभी न्यू ट्राई किया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसकी जो थिकनेस है वो भी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का एलिमिनेटर और इससे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि मेरा फेस जो है थोड़ा ग्लोई और शाइनी दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का जो है फाउंडेशन और ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट फाउंडेशन है, अफोर्डेबल भी है और बेस्ट भी है, कवरेज भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो एक कबूकी ब्रश की हेल्प से इसे जो है ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से। देन इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी NYBA का कंसीलर, बट इसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, फिर इसे स्पॉन्ज की हेल्प से भी सेट कर लेंगे ताकि बेस जो है सेट हो जाए एकदम अच्छे से, उबरा उबरा सा ना दिखे बेस हमारा। तो हमेशा आपको ये स्टेप फॉलो करना चाहिए, तभी आपका बेस फ्लॉलेस लगेगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYBA का ये लिक्विड NYBA का कंसीलर है और इसका शेड मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसे हाईलाइटेड एरिया पे हाईलाइट कर लेंगे अपने अंडर आइज, नोज, फॉरहेड, चिन, किपिट्स व्यू वगैरह पे सब जगह अप्लाई करके उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे डैम स्पॉन्ज की हेल्प से।
उसके बाद ये पीएससी का मैं लूँगी कॉम्पैक्ट और इससे पूरे फेस को सेट कर लूँगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये कॉम्पैक्ट ज़रूर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टूडियो फिनिशिंग के साथ है। तो इस तरीके से पूरा अप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ NYB की पेंसिल, आईब्रो पेंसिल, और मेरा शेड है ब्राउन। इससे मैं फिल कर लूँगी अपने पूरे आईब्रो को। उसके बाद यह है मिस रोज़ का कंसीलर पैलेट, इसमें बहुत ऐसा शेड है, तो इसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी नोज़ को कंट्रोल करूँगी। और ये बहुत ही अच्छा कवरेज के साथ होता है। अगर आप कोई अच्छा सा पैलेट देख रहे हो कंसीलर पैलेट, तो ये ज़रूर लीजिएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, आपके शेड के अकॉर्डिंग ये इसमें मिल जाएगा। तो मैं डार्क शेड लेके अपनी नोज़ को जो है अब मतलब ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद ये जॉ लाइन और चीक को भी ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद ये मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट, और ये मैट पैलेट है, सिर्फ दो शेड इसमें जो है ग्लिटरी, बाकी मैट है। तो ये शेड लेकर अपने चीक पे अप्लाई करूँगी, और ये बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है, तो आपको डेफिनेटली ये ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है। इसमें ये कॉन्ट्रोल शेड लेकर अपने जो है अपनी चीक को थोड़ा सा और शार्प दिखाएंगे। तो जब भी ऑयली स्किन वाले क्रीम कॉन्ट्रोल करें, उसके ऊपर पाउडर कंट्रोल ज़रूर करें ताकि वो सेट हो जाए। ये हाइलाइटर सेम पैलेट की हेल्प से लेकर अपने चीक को चीक बोन पे लगाएंगे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगा लेंगे। उसके बाद ये पर्पल शेड लेकर अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करेंगे, और इनर कॉर्नर पे सेम पैलेट की हेल्प से लेंगे हम कोई भी जो है हाइलाइटर शेड, और उससे इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लेंगे तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक ले रही हूँ शुगर की, और ये जो लिप्स पहले पर्पल का मस्कारा लगाऊंगी, देन मैं शुगर की लिपस्टिक लगाऊंगी। और ये जो लिपस्टिक है इसका शेड है रेड, और मैं इसको जो है पूरा नहीं अप्लाई करूँगी, बस हल्का सा लिप पे अप्लाई करके और अपनी फिंगर की हेल्प से स्मर्ज कर देंगे अपने फिंगर की ही हेल्प से। और इसका जो शेड नेम है वो है रेड आई थिंक। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, ग्लैम 21 स्प्रे नाम है इसका, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं एक हॉल भी करूँगी अपने मेकअप प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट में परचेज किया है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइस कि आप लोग को ये लुक अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा ये लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय।